तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सोने के लिए। रोज रहता था व्लॉग जागने का और आज रहेगा सोने का। नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूंगी आप। कभी कभी शुरू ऐसे भी करें तो चलिए करेंगे गुड मॉर्निंग नेक्स्ट। तो कुछ इस तरह से होता है मेरा दिन शुरू। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, पहले बच्चों का लंच बनाती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग और फिर अपने वीडियोस का वगैरह कवर करती हूँ, फिर लंच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी तो मैंने ये रात का आउटफिट डाल रखा है, वो आपने देख लिया। और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए और फिर मिलूँगी थोड़ी देर बाद। और भगवान का आशीर्वाद आप सबको इसी तरह से बना रहे। जय श्री राम। और शुभकामनाएं आपके साथ सदा बनी रहेंगी। और मेरे अच्छे अच्छे से सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से ब्लॉग देखते रहिएगा आप कंटिन्यू। जो ये सैनील वगैरह वेलवेट होता है, इसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है और डबल कपड़े की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने डाला ये आज का मेरा आउटफिट और बस झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जाऊँगी नहाने के लिए। पानी मेरा गर्म हो गया है, वैसे तो गीजर भी ऑन कर दिया मैंने, बट फिर भी मैंने पानी रोड में जल्दी की वजह से लगा दी। तो चलिए मिलती हूँ नहाने के बाद। यहाँ मैं क्या करूँगी, चाय बनाने रख देती हूँ ताकि मैं जब तक आऊँगी तो ये चाय बहुत अच्छे से पक जाएगी। दूध मैंने चढ़ा दिया, चाय पत्ती वगैरह डालकर इसे अच्छे से फूट के रख जाऊँगी। इतनी अच्छी चाय बन जाती है जब तक मैं नहा के आती हूँ, और फिर आके मैं पी लूँगी अपनी चाय और आगे के काम करने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए उसके लिए रेडी रहूँगी शाम तक। तो चलिए इसी तरह से होती है मेरे दिन की शुरुआत। आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स मुझे जरूर बताएगा। सुबह सुबह का रूटीन किस किस का कैसा होता है, मेरा तो यही रहता है। तो सुबह का रूटीन तो आपने देख ही लिया था। सुबह तो मैंने बनाई थी गैस पर रोटियां और शाम के टाइम बच्चों का मन था चूल्हे की रोटी खाने का। और ये रहता है मेरा सुबह से शाम, जो मेरा मन करता है उसी तरह से एंजॉय योर लाइफ। और अपने बच्चों के लिए बनाई यहाँ पर चूल्हे की रोटियां, डिमांडिंग होती है, सर्दियों में बहुत पसंद आती है इनको। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हो गई थी रात, फिर आगे को दिखाएँगे आपका नाइट। एवरीवन हम आए हैं यहाँ पर, कोहरा डीप। कुछ ना दिखाई दे रहा। कोहरा कितना हो रहा है, ये हमें ही दिख रही है बाइक की, गाड़ी वगैरह तो सेफ भी ना है ना। शिमला वगैरह जाने की जरूरत ना, इतनी शिमला अभी के। कैसे हैं आप सब लोग। तो आई एम सो एक्साइटेड टू, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है जब मेरे 5,000 हुए, 10,000 हुए, आप सबकी दुआएं रहती हैं, आप सबका साथ है, मेरी फैमिली का साथ है, बहुत 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 ज्यादा मेरी फैमिली का साथ है। तो शिवा क्या एक्साइटमेंट होने वाला है, 20K मेरे होने वाले हैं 20K, और उसके लिए चल रही है शिवम की दावत सावत। तो यहाँ पर सुनील जी ले आए थे हमें बाहर खाने के लिए कि आपके 20K होने वाले हैं, और फिर बाहर भी हम जाएंगे, वो भी मैं आपको व्लॉग्स में दिखाऊंगी। ढाबे का फूड हमें सबसे ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए
बच्चों का तो स्कूल रहेगा, उनकी चॉइस का उनके लिए पैक करा लेंगे। और लाइव में मैं करूंगी अपना 20K का कट, केक कट, ठीक है। और इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आप सब धीरे 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 मुझे इतनी प्रोग्रेस देते जा रहे हैं। आप सब इतना सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से पाँव पाँव हैं बाहर यहाँ पर। 20K हैं होने वाले हैं मेरे, कॉन्ग्रेट्स। आप, मैं सोच रही गाड़ी लाने को पीछे, चलो आपके साथ शेयर करूंगी और दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट और सभी के लिए कॉन्ग्रेट्स। आज है हमारे यहाँ पर सगाई का फंक्शन और मेरा ये लड्डू गोपाल तैयार हो गए तीनों के तीनों। ये कपड़े चेंज करने जा रहा है, इसने डाला कुछ ग्रे कलर के साथ, ये वाला हाँ डाल ले, बहुत सुंदर लग रहा है, देखा ऐसे करा है तू। और शिवम, शिवम का लुक ये वाला अच्छा लग रहा है ना, ब्लैक कलर के साथ जींस और जूते इसने डाले थे दूसरे कलर के, इसके हो गए ये वाले। और अब फोटो करूंगी इनके साथ, बनाऊंगी सुंदर सुंदर सीरीज। हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग, गुड मॉर्निंग। मेरी फ्रेशी गुड मॉर्निंग इसलिए इतनी अच्छी हो रही है क्योंकि हो गए मेरे 20K कंप्लीट। नवीन दे दो नवीन को। और यहाँ पर हम आए हैं अपने बैंक, जैसे कि आप सबको पता है सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और स्कूल में आई हूँ मैं, इसके आज इसकी छुट्टी है, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करनी थी उससे भी गाड़ी। और सुनील जी से हो गई है भारी मिस्टेक, आज ये अपने चेक ही भूल गए, दूसरे बैंक को उठा ले। वो बोल रहा था कि क्या करना क्या करना, कह दे कैश करना कि कैश कैश करूं, ये कह लगे क्या लिखना भूल गए। ये जिस बैंक में आप आए हो उस बैंक का चेक ही नहीं है, कितनी बड़ी गलती कर दे। अगर गलती इसकी होती या मेरी होती तो हमें सुनना पड़ता। अब झूठ बोल रहे, चलो चलते हैं वहां घर जहाँ दूसरा काम है, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे यहाँ पर। चिंकी वडोपुर। तो इसी तरह से हंसती मस्ती के साथ रहते हैं मेरे व्लॉग्स। तो आ गई हूँ फाइनली सेकंड वर्क के लिए। ये है शिवम का स्कूल। शिवम का स्कूल में इनके प्रिंसिपल को, इनके स्कूल से रिगार्डिंग सब स्टूडेंट्स वगैरह को जो प्रेजेंट वगैरह मिलते हैं ना, इनका स्कूल काफ़ी अच्छे से अवार्डेड है। तो अच्छा एनवायरनमेंट है, बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है इससे कि मतलब हाँ कुछ करने की। तो मैं आ गई थी यहाँ पर। आजकल आप सबको पता है जब पेपर या एग्ज़ाम वगैरह आते हैं, शिवा बोर्ड से है इंटर बोर्ड, और छोटे छोटे भी मेरे टेंथ बोर्ड है, तो उनसे रिलेटेड कई काम होने लगते हैं। अभी आपने पिछला व्लॉग भी देखा होगा, तब भी मैं पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड हुई थी और उसके बाद आज थी मेरी टीचर्स मीटिंग। तो चलिए ये काम भी करना ज़रूरी होता है और इसी बहाने बाहर निकल कर घूमना फिरना भी हो जाता है। चलिए तो आज था सेजल सुजल के दोस्त का बर्थडे। ये है रोहित, ये है इनके फ्रेंड, इसका है बर्थडे आज का। तो हैप्पी बर्थडे रोहित, ऑल ऑफ यू, भगवान तुझे बहुत सक्सेस दे बेटा। और इस तरह से बच्चों ने घर पे ही पार्टी मनाई थी, ऑर्डर कंप्लीट करके यहाँ पर घर पे ही मंगा ली थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बच्चों की थोड़ी इंटेलिजेंस कह सकते हैं, बाहर निकलने से अच्छा है घर पर कुछ खाना पीना, जितना हो सके इंजॉय कीजिए और अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में रहिए। चलिए इस तरह से हो जाएगा इसका जन्मदिन और आगे का व्लॉग दिखाऊंगी। हाय एवरीवन, तो ब्लिंकिट आपने सुना होगा बहुत बार, मैंने कई मतलब वीडियोस वगैरह में भी देखा है। तो ब्लिंकिट सर्विस में हमने फर्स्ट बार ली है और शिवम का था 12th का। तो मैंने अपने कुछ PDF की फोटोकॉपी मंगाई थी बाहर, तो हमारे यहाँ पे फोटोकॉपी चल रही है 10 हमारे रुपए की। क्या किसी सबके यहाँ पे चल रही होगी क्योंकि ना अलग अलग रेट है सबके। अच्छा, हमारे यहाँ 10 रुपए की एक फोटोकॉपी आती है ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी आपने सुना ना ब्लिंकिट, ना देखा, मैंने कई वीडियोस में देखा। और पैकिंग वगैरह क्या करा इसमें साथ के साथ ही, कितने मिनट में? इन्होंने मात्र 15 मिनट में आ गई है। ये थी 42 फोटोकॉपी 126 रुपए की बस। और पैकिंग वगैरह देखो, पैकिंग देखो कितनी अच्छी। 15 मिनट हुए मात्र इसे, अब देखो टाइम भी देख लो, अब 11:11 एग्जिट
रात के, और रात के 11 बजे मेरे दोस्त ने इससे रात के 1 बजे भी मंगाया था ऑर्डर। अरे ये देखो, सोचो बच्चे पढ़ाई देखो कितनी अच्छी है, ये तो है ही, इसके अंदर सेफ्टी से, ऐसे तो दुकान वाला भी ना देता, ये बात है। ठीक है, अब इसे हम खोलते हैं अपने को। सर ठीक है ना, अच्छी चीज है। अब मैंने इनका जो ऐप है ना उस पर अपलोड कर दी थी, लो प्रिंट आउट भी देखो, प्रिंट आउट के साथ ही हमारे ऑर्डर भी, और देखो कितना साफ, लो ओ वाह क्लियर प्रिंटिंग, पावर प्रिंट आउट देखो कितना साफ। ये देखो प्रिंट आउट की आप क्वालिटी देख सकते हो, मैंने तो सोची भी नहीं थी, बहुत बढ़िया आ रखी है सच में। ये देखो, अरे वाह, कंप्यूटर पे करवाऊं, देखिए बिल्कुल साफ पढ़ने के लिए, मतलब कोई भी देखो पापा सही मोटा है, ऐसा नहीं है पतले बेकार होते हैं जो। ये देखो हाँ, ये देखो, जिन जिन बच्चों को 12th हो 10th हो रिलेटेड इस तरह की मंगानी हो, बहुत अच्छा सच में फिनिशिंग के साथ। ये तेल बना रखा है लेकर, हाँ ये मैंने बनाया था। अच्छा पहले उन्होंने भेज दिया, मैंने बना के भेज दिया उन्होंने, प्रिंट आउट अच्छी चीज है ना, 30 रुपए एक प्रिंट। तो चलिए दोस्तों, ब्लिंकिट का आप देख सकते हैं, अगर मंगाना चाहे तो जरूर मंगाइए। तो ये वाला आप जो देख रहे होंगे ये है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग, आप सबको पता है पहले ही मैं एक्सप्लोर कर देती हूँ कि क्या आने वाला है। तो ये रहेगा मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स का, जो मैं स्कूल टाइम से मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मुलाकात हुई। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ब्लॉग का इंतजार करें। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर फैमिली।